लेकिन भाई इतना नहीं करते यार, लेकिन दिल्ली वाले इतना नहीं करते बाबा, इतना नहीं करते। इसने तो रैली बना रखी बंदे ने, ठीक है ना। मैं तो आज भी कहता हूँ छाते ठोक के जो रेट वीडियो में दिए है ना, उस कार्ड में यहाँ पहुँचा दो उसी रेट में। भाटी भाई मैं क्या कह रहा हूँ, उनके बस की नहीं है यार। जो नहीं आप बिल पे लोगो इतना मिलेगा, कैश पे लोगो इतना मिलेगा, ये क्या चक्कर है। ये वीडियो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे इंडिया ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था। कस्टमर नहीं समझता, कस्टमर कहता मुझे तो सस्ता चाहिए, मुझे सस्ता चाहिए। मालिक सस्ता लोगे तो प्रोडक्ट पे वारंटी भी तो चाहिए ना आपको। अभी डेली प्राइस अपडेट यहाँ पे देता था वीडियो अंदर में, और हमेशा मैं कमेंट में ये चीज़ें पढ़ता था जो भाई मुंबई में ये मिल रहा है, मुंबई में ये मिल रहा है, तो अब ना लेने जाके मुंबई में ये मिल रहा है। वो मेरे को इसी शॉर्ट भेज रहा है भैया, राइट सॉल्यूशन तो 75 का दे रहे हैं। भाटी भाई मैं क्या कह रहा हूँ, उनके बस की नहीं है यार। नहीं आप बिल पे लोगो इतना मिलेगा, कैश पे लोगो इतना मिलेगा, ये क्या चक्कर है। मैं तो सीने ठोक के कहता हूँ ऐसा है भाई, जो प्राइजिंग दे रहा हूँ आपको ना, थोड़ी सी कॉस्टली लगे कुछ भी लगे, बट मेरी प्राइजिंग पे आप आके अपना जीएसटी क्लेम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गेमिंग और एडिटिंग पीसी परचेस करना चाहते हैं तो आज ही चेक करिए हमारी वेबसाइट जो कि है techpc7.in। यहाँ पर आपको कस्टम का भी ऑप्शन मिलता है जिससे आप अपना पीसी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, और साथ के साथ अगर आपको सिंगल पीस लेना हो तो वो भी आप इस वेबसाइट से ले सकते हो। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करें। सो गाइस दोबारा आ चुका हूं यहां पर डिजिटल ओशन। सुहास भाई क्या हाल है आपके? बढ़िया हाल है भाई। सर वीडियो देखी आपने भी राइट सॉल्यूशन वाली? आपकी हर वीडियो वैसे हम देखते हैं, और ये वाली वीडियो तो बहुत ज़रूरी थी क्योंकि जो बायर्स थे या फिर जो क्लाइंट्स थे ना, उनके लिए चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि मैं भी डेली प्राइस अपडेट यहाँ पे देता था वीडियो अंदर में, और हमेशा मैं कमेंट में ये चीज़ें पढ़ता था जो भाई मुंबई में ये मिल रहा है, मुंबई में ये मिल रहा है, तो अब ना लेने जाके मुंबई में ये मिल रहा है। भाई मैं भी परेशान हो गया था, मुंबई में सस्ता मिलता है राइट सॉल्यूशन की वीडियो में, राइट सॉल्यूशन ये वीडियो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे इंडिया ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था। वैसे भाटी भाई ने यहाँ पे दिल्ली से सीधा मुंबई के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, ठीक है। बहुत जरूरी है, देखो मेंस होता क्या है मैं आपको बता दूँ। देखो जैसे कोई भी कार्ड हम उठाते हैं यहाँ से, लाइक मैं डब्ल्यूसीडब्ल्यू एक्स की बात करूँ, अगर मैंने दिया प्राइसिंग 48 का, तो भाई इसी मार्केट में या फिर किसी अदर स्टेट के अंदर में, मार्केट में इंडिया के अंदर है ना भाई, कोई तुम दुबई में थोड़े बैठे हो, तुम्हें साला फ्री में मिल रहा है यहाँ पे। भाई बोले ये अगर 45 का है ना, वो लोग 20 का बेच रहे हैं। अरे मालिक मैं ये बताऊं, मैंने 3070 Ti, मैंने 88 का किसी का कस्टमर कोड किया, उस टाइम जब प्राइसिंग महंगे थोड़ी हैवी थी, हाँ, वो मेरे को इसी शॉर्ट भेज रहा है भैया राइट सॉल्यूशन तो 75 का दे रहे हैं। मैंने सॉरी 75 नहीं 72 का दे रहा है। 72 मैंने भाई एक काम, ब्रांड कौन सा बोला, 3 Fan में भैया जोटक दे रहे हैं। मैंने एक काम करो, 5,000 मेरे से और ले लेना, 10,000 और ले लेना, मुझे मंगवा दो, ठीक है ना। मैं तो आज भी कहता छाते ठोक के जो रेट वीडियो में दिए है ना, उस कार्ड में यहाँ पहुँचा दो उसी रेट में। भाटी भाई मैं क्या कह रहा हूँ, उनके बस की नहीं है यार। उनके बस की नहीं है चीजें, फिर पता है मेरे को डरवाने कॉल करते हैं। मैं चाहे राहुल भाई वीडियो देख रहे हो, चाहे कोई भी बंदा वीडियो देख रहा हो, एक छोटी चीज समझना आप यार। देखो ना आज अपन यहाँ पे नेहरू प्लेस में, आपको पता भाटी भाई हम लोग थर्ड फ्लोर पे बैठते हैं यहाँ पे। थर्ड फ्लोर पे बैठने के बाद भी आज मैं इतने ग्राफिक कार्ड के स्टॉक मैं भी बेचता हूँ, आपने देखे होंगे, अभी भी मैंने बेचे हैं आपके सामने बेचे ना। तो लेकिन एक चीज बताओ, प्राइजिंग होती है समझो भाई, डिफरेंट प्राइजिंग होती है, लेकिन ये क्या चक्कर है भाई। जो नहीं आप बिल पे लोगो इतना मिलेगा, कैश पे लोगो इतना मिलेगा, ये क्या चक्कर है। कैश का गेम चल रहा है। देखो मैं तो सीने ठोक के कहता हूँ ऐसा है भाई, जो प्राइजिंग दे रहा हूँ आपको ना, थोड़ी सी कॉस्टली लगे कुछ भी लगे, बिल में वैसे मैं आपको देता हूँ डिस्काउंट, ठीक है, बट मेरी प्राइजिंग पे आप आके अपना जीएसटी क्लेम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो दिक्कत नहीं है। डिजिटल ओशन के अंदर मैं आपको बता दूँ एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना आप, कोई भी बायर आता है यहाँ पे, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट क्वालिटी आपको जेन्युइन मिलेगी। आज देखो जो गेम वहाँ चल रहा था, कुछ दुकानदार यहाँ आपके दिल्ली में भी ये गेम खेल रहे हैं, लेकिन भाई इतना नहीं करते यार। लेकिन दिल्ली वाले इतना नहीं करते बाबा, इतना नहीं करते। इसने तो रैली बना रखी बंदे ने, 40 का सामान 20 में, और वीडियो में पता क्या कहता था, स्टॉक भरे पड़े हैं। भरे मालिक आप, वो तो आप पहुंच गए टाइम से तो ठीक है, वरना मैं तो खुद ही जाने वाला था। मैंने कहा भाई मैं भी जरा मिल के आऊं राहुल भाई से, जरा मैं भी कुछ ग्राफिक कार्ड मंगवा लूं, मैं आपको अपने व्हाट्सएप दिखा दूंगा ना, मेरे व्हाट्सएप चेक कर लेना कभी आप, अगर कभी कोई वीडियो कमेंट आता तो। मैंने प्राइजिंग मांगी थी, जैसे प्राइजिंग आज मांगी आपसे, ओ भाई मैंने बोला भैया कितने का मिलेगा, तो आप एंड कस्टमर को बोल रहे हो जो विदाउट जीएसटी मिल जाएगा, आपको
कैश वाला जीएसटी मिल जाए। कैश वाला जीएसटी क्या होता भाई? तो आज भाई एक बार इन्हें बताओ कैश का मतलब कितना गलत काम होता है ये कैश पर बेचना। मालिक एक चीज बता, देखो गैर कानूनी है चीज। मेरी बात सुनो, आपने बिल दिया नहीं दिया वो और चीज है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई कस्टमर आता है बोलता भैया मेरे को जीएसटी क्लेम चाहिए, तो आप मना नहीं करोगे कभी भी, ठीक है। ये बहुत ही गलत चीज है अगर कोई बंदा ये करता है। इनफैक्ट चाहे मैं हूँ चाहे कोई बंदा भी हो, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है भाई, आज जब मेरी बाइंग जीएसटी पे है तो अपने को जीएसटी पे देने में दिक्कत क्या आएगी? अरे बिल बेच देते हैं ना ये मालिक। देखो वही तो खेल है ना, कस्टमर नहीं समझता। कस्टमर कहता मुझे तो सस्ता चाहिए, मुझे सस्ता चाहिए। मालिक सस्ता लोगे तो प्रोडक्ट पे वारंटी भी तो चाहिए ना आपको। प्रोडक्ट वारंटी भी मैटर करता है, प्रोडक्ट क्वालिटी भी मैटर करता है, प्रोडक्ट कहाँ से आया है वो भी मैटर करता है, और आप इसको इन फ्यूचर में कोई दिक्कत आती है तो कहाँ वारंटी क्लेम करोगे ये भी मैटर करता है। बस एक चीज हो तो मैं तो गया खुद राइट सॉल्यूशन में, आप ये दिख रहे मदरबोर्ड, उसके पास कोई मदरबोर्ड नहीं। अरे बाटी भाई आप एक चीज बताओ, मैंने यहाँ जितने कार्ड लगाए आप मुझे बताओ कोई मेरे पे एक ही पीस पड़ा गया? एक पीस इधर देख लो मेरे पास। अरे एक भी कार्ड नहीं था वहाँ, उसको पता है वीडियो बनाने के लिए मंगवाए जाते हैं कार्ड ये। हाँ वीडियो वीडियो में तो मैं डब्बे लगा दूँ, ये क्या डब्बा है क्या? आप जिस पे आते रखो वो खोल के दिखाऊंगा आज मैं, आप बताओ। नहीं खाली डब्बे ना मंगवा लेते दुकान से, डीलर से वीडियो बनाने के लिए। मैं दुकान पे एक भी कार्ड नहीं था। मैं वही कह रहा हूँ बाटी भाई, हवा में बात करने वाली बात कुछ और होती है। जेन्युइन बातें ये होती है कि आज अगर मैंने आपको प्राइसिंग दी ना, ठीक है, मेरे पे हर जगह से आते आपको बताइए, ठीक है। बट क्या होता है कि आप किसी भी बंदे से लो, मेरे से लो, किसी से लो, अगर आप आसपास रहते हो, सिंपल सी चीज़ है, आप स्टोर पे विजिट कर लो। दूर आप दूर रहते हो भाई, आपको आप जहाँ रहते हो, मैं नहीं कहता हूँ आप जहाँ रहते हो वहाँ का मेरे को कॉन्टेक्ट या फिर एड्रेस दो या फिर अपना नंबर दो, मेरे से बात करो, वहाँ मैं कोई ना कोई आपको रेफरेंस दे दूंगा यार। आप क्योंकि मैंने प्रोडक्ट तो ऑल ओवर इंडिया भेजे हुए ना ऑलरेडी पहले, मेरी सर्विस क्या है मेरी रेटिंग से पता लगता है, मेरी सर्विस क्या है मेरी रेटिंग से पता लगता है, उसमें कमेंट से पता चलता है, ठीक है। मैटर वो नहीं करता, मैटर ये कैश बिल ये वो लफड़ा सब खत्म। ये और बेचे कैश पर ये एक भाई पर, मुझसे पता क्या करते तेरे ऊपर हम केस करवाएंगे। मैंने कहा भाई तू कैश पर बेच रहा है तू केस करेगा? भाई मेरी बात सुन लो, बात रही केस करने की ना, आपके जीएसटी कमिश्नर से लेकर, ठीक है, दिल्ली में आपके एसीपी डीसीपी जहाँ पे कोई दिक्कत है। देखो मैं ये बातें वीडियो में नहीं बोल रहे फिर भी मैं बोल रहा हूँ, क्यों ना, इसलिए क्योंकि ना आज लड़के ने अच्छा काम किया है। हाय हाय क्या बात है, आज लड़के ने अच्छा काम किया है। आपके जिस दिन वीडियो आए ना मुझे भी नहीं पता था आपने ये काम किया है, लेकिन मैंने आपको फोन पर खुद ही बोला ना, मैंने बाटी भाई कहीं दिक्कत है मुझे एक बार याद जरूर कर लेना यार, ठीक है। बिल्कुल बाकी सुभाष भाई अब वीडियो बाबा अपन दिखने में ये ऐसे लगते है ना, अपनी पहुँच कहाँ पे है सभी को पता है, ठीक है, कहीं बतानी जरूरत नहीं। जिसको नहीं पता ना, पता करना हो ना, कभी मेरे से फोन पे आ जाए एक बार, मैं सब सारी चीजें क्लियर कर दूंगा आप। ओके बाकी सवाल है वीडियो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, कवर करते हैं ग्राफिक कार्ड की प्राइस। लेकिन भाटी भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं भाई, मजा आ गया। लेकिन थैंक यू, लोगों को सच्चाई जानना था, सच्चाई आपने बताया। देखो यूट्यूबर्स बहुत बन जाएंगे भाई, यूट्यूबर हम भी है, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूबर हम भी हैं, यूट्यूबर बहुत सारे हैं। आज मैं नाम ले ही लेता हूँ, टेकोस्मोस है, रॉ स्पोर्ट है, ठीक है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी को बहुत सारे चैनल है, न्यूज ऑफ वंडर भी है, आपके ये ओमकार भाई भी हैं, ठीक है, सभी बनाते वीडियो। लेकिन क्या ये ऐसी चीजें करने के लिए जिगरा चाहिए होता है, ऐसी चीजें करने के लिए जिगरा चाहिए होता है, क्योंकि ना देखो आप किसी दुकान पे अकेला बंदा दिल्ली से मुंबई पहुंच के किसी को एक्सपोज करना मैटर नहीं था, मैटर था जो कस्टमर आज समझो अगर मैंने आपसे कुछ मंगाया, आज मेरे पे बंदों ने भाई मेरे पे व्हाट्सअप किया है, पता क्या लिखा गया वहाँ पे, भैया मैंने ग्राफिक कार्ड ऑर्डर किया था वहाँ 3090 के लिए, बात हुई पहले फैन वाले फिर उसके बाद में बंदा बोलता क्या, जब एडवांस चला गया वो आपको मिलेगा ब्लोड एडिशन, वो एडिशन मिला भाई, ये क्या मैटर है भाई। अरे मैंने खूब कवर सबके साथ था, मैंने कमेंट पढ़े अपनी वीडियो के बाद। आप उस वीडियो के जितने कमेंट पढ़ोगे ना, एक चीज बताओ, एक बंदा झूठ बोल सकता है, मैं झूठ बोलूंगा। हाँ। डिजिटल ओशन झूठ बोल ले वो मैटर वो नहीं है। तो क्या ये क्या ये 600 कमेंट्स हैं झूठे हैं? क्या वो 20,000 लोगों ने देखे क्या वो झूठे हैं? चलो कोई नहीं भाई, लगे बड़े राहुल भाई के तो भाई जिसको जो करना है करने दो, कोई मैटर नहीं करता भाई। बाटी भाई आप अपना काम ऐसे करते रहो, बाकी अपना जो काम है वो हम
कर ही रहे, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई। भाई राहुल भाई को मैं बोल दूँ अगर केस वेस करने, बिल्कुल भाई ओपनली करो, लेकिन एक बार वीडियो दो तीन बार देख लेना। बाटी नकली आदमी नहीं है बेटा, गुजर आदमी, ध्यान रखना तो। ओ भाई बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई। सुभाष भाई वीडियो कवर करते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं डिस्क्लेमर बोल दूँ, रेड सॉल्यूशन वाले रेट नहीं होने वाले, जो रेट होंगे उसी रेट में दिया जाएगा कार्ड। बिल्कुल भाई, जो मैं रेट बताऊंगा आपको महंगे लगे सस्ते लगे प्रोडक्ट दूंगा, जो आपको दिखा रहा हूँ वो दूंगा। किसी को देखना है एट ए टाइम, आप अपने पैकिंग के सामने वीडियो कॉल पर देख सकते हो मेरे से। किसी को कैश ऑन डिलीवरी चाहिए मैं प्रोडक्ट पर करवा दूंगा, लेकिन उसमें 3% एडिशनल होता है, बाकी घबराने की जरूरत नहीं। कैश ऑन डिलीवरी वहाँ चाहिए जहाँ ट्रस्ट इशू नहीं हो, ये डिजिटल ऑप्शन है बाबा। ओके ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो का एंड कवर। आज की वीडियो में यहाँ पे हम कवर करेंगे ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग, बाकी इसके अलावा ये मेरी अपनी बात है, आगे अपन जो है आने वाली वीडियोस में, बहुत दिन हो गया अपने को मदरबोर्ड के बारे में इनका प्राइसिंग भी जानना है अपने को, नए बोर्ड भी आ चुके हैं ठीक है। इसके अलावा प्रोसेसर जो ट्रोल वो भी है मेरे पास में, इसके अलावा पावर सप्लाई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गेमर्स अभी वेट कर रहे हैं। मतलब अब थोड़ा सा माइनिंग सेट को गेमर पर भी ध्यान दिया जाएगा, मालिक पूरा ध्यान दिया जाएगा, देखो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए इस बात से वीडियो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर कवर करेंगे सारे ग्राफिक कार्ड, यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे बेसिक कार्ड, पहले कवर करेंगे एनवीडिया कार्ड, उसके बाद हम कवर करेंगे एएमडी के। एएमडी के दो तीन ग्राफिक कार्ड होते हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस है, तो चलिए इस बात से स्टार्ट करते हैं। बेसिक आपको कहाँ से आता है, जो डिस्प्ले के लिए यूज़ हो, आई थिंक अलग ही चमक रहा है। देखो ये अपना गेमर्स चॉइस, देखो मैं बता दिखाओ सुभाष भाई एक बार, ये GT710 तो बंद हो गया था ना बीच में, दोबारा आ गया। ये 610 है बेसिकली। अच्छा GT610, ये 610 है, 710 आना भी बंद हो गया, 610 आपको मिलना है। ये आपको देखो मैं जो भी प्राइसिंग बताऊंगा, आप मेरे से बिल्ड में लोगे तो आपको ये प्राइसिंग दे दूंगा, बिना बिल्ड के अगर लेते हो मेरे से जो माइनिंग वाले कार्ड है वो मैं बोल के आपको दूंगा ठीक है, जो इसका ये प्राइसिंग है। तो ये सारे जो छोटे कार्ड्स हैं गेमिंग के लिए यूज होते हैं बेसिकली, ये आपको मिलता है 3100 रुपये का आपके बिल्ड में। इसमें 3100 रुपये अगर इसे, मतलब मुझे बताइए दोनों कवर कर लेते हैं, बिल्ड के साथ भी सिंगल प्राइस भी, चलो ठीक है साथ में साथ राइट सोशन वाला झोल नहीं होगा। ये जो है अपना देखो 2GB DDR3, हाँ ये कार्ड है अपना बेसिक डिस्प्ले कार्ड है। आप कोई भी आप एफ वाला प्रोसेसर लेते हो 12100F11, 12100F, 12400F या फिर अपना जो भी अदर जो भी वाला प्रोसेसर आते हैं सब में आपको ग्राफिक चाहिए होता है। अब बहुत से लोगों की वहाँ डिमांड क्या आती है, भैया मेरे को तो ग्राफिक का यूज ही नहीं है ठीक है, बट अपना प्रोसेसर थोड़ा सा सस्ता चाहिए, तो वहाँ पे आप इसका यूज करोगे, ये आपको मिलेगा 3100 रुपीज़ का, 3100 रुपये। और सिंगल इसको ले तो सिंगल भी आपको भाई मेरे कितना महंगा दे दूंगा, 3250 रुपये का, 150 रुपये महंगा इसलिए बढ़ता है क्योंकि देखो बिल्ड में कहीं ना कहीं कॉस्ट थोड़ा सा हो जाता है ठीक है, बाकी इसमें आपको 3250 रुपये का मिल जाएगा सिंगल। हाँ ठीक, ये हो गया GT 610। इसके बाद अगर बात की जाए, इसके बाद कौन सा आता है, ये आता है आपका असूस 2GB, इसके बाद आता है बाटी भाई अपना 732GB DDR5 आता है। देखा ना ये कितने का होने वाला है अगर हम सिंगल ले तो, देखो आप सिंगल भी लोगे मैं आपको दूंगा 4200 रुपये का, बिल्ड में लोगे 4000 रुपये का ठीक है ओके। बाकी इसके बाद अगर बात, अच्छा सुभाष भाई ये और बता दो वीडियो में कि बाकी जो रैम वैम प्रोसेसर ये सब मतलब कम्पिटिटिव रेट होने वाले ना उनके भी, बस सारी चीज़ें मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो वीडियो है ग्राफिक कार्ड की, बाकी आगे हम आने वाले वीडियोस में आपको प्रोसेसर्स हैं रैम्स हैं बहुत सारे रैम्स मैं आपको दिखा दूँ एक बार, अगर वीडियो में थोड़ा सा एक पार्ट कवर करें यहाँ पे रैम्स मेरे पास यहाँ पे कॉर्सर की रैम भर भर के रखी है, इसका XPG है, XPG की आप अभी आपने ये रैम नहीं देखी, देखो ये रैम देखो भाई साहब इन्हें एक बार दिखाओ, इतनी रैम राइट सॉल्यूशन पे मेरे ख्याल से जिंदगी में नहीं छोटे ज्यादा हो जाएगा, क्या बोलूँ मैं। नहीं देखो वो नहीं, आप रैम्स के स्टॉक ना देख लो भाई यहाँ पे ये होता है रैम कहते हैं, इसे कहते हैं स्टॉक कहते हैं, ये देखो इसे स्टॉक कहते हैं। आप मेरे बोर्ड ही देख लो, आपको हर तरह के बोर्ड मिल जाएंगे बाटी भाई। उनका पता रेड सोर्स वाला क्या सीन है भाई, पैसे दे दो गोदाम से मंगवा रहो भाई, ये चीज गोदाम में रखनी चीज होती है क्या। गोदाम मेरा भी है यहाँ पे, मेरे एक ये ऑफिस है, एक सामने ऑफिस है, एक नीचे आपको मैं वीडियो में नहीं बोलूंगा, सेकंड फ्लोर पे मेरा गोडाउन है बेसिकली, वहाँ पे मैं सब अपना माल रखता हूँ सिर्फ, कैबिनेट ये सब चीजें तो रखने में समझ में आती है। हाँ। ग्राफिक कार्ड कोई रखेगा, ग्राफिक कार्ड के मैं गोदाम में रखूंगा। हाँ। ग्राफिक कार्ड जो दिख रहा है यहाँ पे ये है, बाकी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो भाई जिसमें अगर किसी को कंपटीटिव प्राइस चाहिए क्वांटिटी चाहिए। हाँ। तो वो चीजें ऑर्डर पे आती है पता है। मैं तो खुद कह रहा हूँ देखो ये ग्राफिक कार्ड आज भी देख लो और ये देखो कल आ जाओ आदमी भाई यही ग्राफिक कार्ड आपको देखने को मिलेंगे, गायब नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बाकी ये हो गया आपका GT730 हो गया, 730 हो गया अपना, ये 2GB DDR5 वाला हो गया। हाँ। इसके बाद इसमें इसमें कलरफुल भी है GT730 4G वेरियंट, इसके क्या प्राइस होने वाले भाई। देखो ये आपका 4GB का ग्राफिक कार्ड है भाई, और ये आपका जो आता है
ये मिलेगा आपको 6200 रुपये का। 6200 रुपये, ओके। इसके बाद अगर बात की जाए ये 1030 आपको 4GB आराम से निकाल लेते हैं, ये इसके क्या प्राइस होने वाले सर भाई? 1030 आपको मिल जाएगा, 4GB का ग्राफिक कार्ड ही आपको, और बेसिकली इसका यूज में भी आपको थोड़ा सा बता दूंगा वीडियो अंदर में। तो जो लोग अभी 1050 Ti पे नहीं जाना चाहते हैं और जो T400 या फिर ढूंढ रहे हैं 2GB का, उनके लिए एक बेटर ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। कितने का होने वाला है ये? ये मिल जाएगा आपको 8000 रुपये का। 8000 रुपये का सर भाई। इसी में अगर बात करें T400 क्या रेट है भैया? T400 आपको मिल जाएगा 7500 रुपये का। 7500 रुपये। इसी में T600 की अगर बात की जाए? T600 अभी नहीं आ रहा, कोई भी ऑर्डर बहुत है लेकिन माल कहीं नहीं है बाबा। T600 मतलब क्या फ्यूचर, मतलब बंद हो जाएगा आएगा भी? नहीं, वो अभी आएगा बट अभी नहीं आ रहा। उसके जगह पे अल्टरनेट पे अपन अभी T400 4GB दे सकते हैं वहाँ पे, वो आपको 11000-11200 रुपये के आसपास मिल जाएगा। 11000 के आसपास पड़ने वाला है? हाँ, मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद सुभाष अगर बात की जाए, इसके बाद आपका आता है 1050 Ti। आई थिंक 1050 Ti, अच्छा नीचे रख दिया है, इससे निकाल लेते हैं 1050 Ti आराम से कलरफुल। सुभाष ये कितने का होने वाला है? 1050 Ti आपको कलरफुल मिल जाएगा बाटी भाई, इंडिविजुअल में 18500 का। 18500 सिंगल? हाँ, सिंगल। ठीक है, बिल्ड में आप लोग मिलेगा 17900 का मिल जाएगा। 17900, 600 रुपये का अंतर आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। ठीक है, ये अंतर समझ में भी आता है, ओके। बाकी अगर बात की जाए सुभाष भाई, MS आएगा 6050, ये कितने का होने वाला है? आएगा वेंटेस है, आपका दिखा दूंगा आपको, DDR6 होने वाला है। ठीक है, और DDR6 वाला ही जो लोग 3050 पे अभी नहीं जान जाते हैं नए कार्ड के ऊपर में, क्योंकि प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा है, देख मैं हां 3050 की ज्यादा है, स्टॉक एबिलिटी थोड़ी सी कम चल रही है, और बाकी डिमांड बहुत है। 12 जनरेशन में आपका भी i5 के साथ में इतना अच्छा बिल्ड बनता है इसका, आप समझो 95000 के अंडर में ना आपका बेहतरीन पीसी बनकर तैयार होता है। ओके, बाकी इसकी क्या प्राइस रहने वाली है 6050 की? ये आपको मिल जाएगा बिल्ड के अंदर 21500 रुपये का सिंगल, 22500, 1000 रुपये का डिफरेंस रहने वाला है। बाकी इसमें अगर बात की जाए, इसके बाद आता है परफॉर्मेंस के हिसाब से, मैं आई थिंक 3050 बहुत डिमांडेबल है। इससे बहुत से लोग अभी बोलेंगे वीडियो के अंदर में, भैया 1650 सुपर कहाँ है? तो 1650 सुपर अभी नहीं आ रहा भाई, बंद हो गया मेरे ख्याल से, उसका अल्टरनेट ही आ गया। उसका अल्टरनेट आपका ये वो 30-32 का मिलता था, उसी रेट में 2-3000 रुपये डाल के ले लेता। 30-32 का वो मिलता था, मैं तो ये कहता हूँ आपको ये मैं दे दूंगा 34,500 रुपीज़ का। 34,500 दे दूंगा आपको ये। 34 हाँ। क्या रेट है सिंगल? आप सिंगल में आपको ये पड़ेगा 35 का। ठीक है, 1000 रुपए का डिफरेंस रहेगा। मैं बोलता हूँ मेरे पास अभी ना इसमें के लिए और कलरफुल भी है ना, इसमें कलरफुल भी निकालते हैं, इसे भी हम कवर करेंगे 4000। ये कलरफुल कौन से, डुअल फैन बड़ा वाला? थ्री फैन। अच्छा, 3 फैन है, एक बार मैं देख लेता हूँ। आई थिंक इस पे शायद सील अंदर होती है भाई। हाँ, आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे वीडियो। आप देखो, बहुत से लोग बोलेंगे जो ओपन में दिखाने की जरूरत क्या है, मैं बताऊं, देखो कोई भी कार्ड उठवा लो भाई, सब में ग्राफिक कार्ड में भरा हुआ है। एक बार दिखा दो सर, रेट क्या होने वाला? रेट ही बताओ यार इसका। रेट आपको मिल जाएगा, ये भी आपको देखो 3 फैन है, तो भी अगर कोई लेता है मेरे से बिल्ड में, कलरफुल है, रेट तो अच्छा होगा यार इसका। देखो मैं 3 फैन है एक्चुअली ना, तो प्राइसिंग मैं आपको देखो 35 का। ये क्या मतलब सिंगल पीसी बिल्ड के साथ है 35 में भाई? सिंगल ले लो मेरे से 35 में। हाँ, अगर आप बिल्ड में लोगे आपको दे दूंगा 34,500 रुपीज़ का। अच्छा, मैं 500 का डिफरेंस रहेगा। हाँ, जो इसमें क्या प्रीमियम कार्ड है, देखो आप एक बार ये देखो इसके, हाय हाय क्या बात है यार, ये तो बहुत अच्छी लुक में दिया मुझे, नॉर्मल होगा ये, नॉर्मल लुक नहीं है अभी। ये देखो ग्राफिक कार्ड देखो, और एक चीज़ देखो आप इसके सील देखो, सील लगी पड़ी ठीक है, सील है। और 3050 देखो कितना बड़ा कार्ड, आपके पीसी में ना 4 चांद लगा देगा ये। हाय हाय, बढ़िया कार्ड है, सबसे अच्छा कार्ड है बाकी तो। ठीक है, देखो बोलने से कुछ नहीं होता, रामदेव बाबा भी कहते हैं करने से होता है। ठीक है, ओके, कोई नहीं भाई, आराम से रख देंगे, बाकी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। सबसे 3050 हो गया, डुअल फैन ट्रिपल फैन ये हो गए। इसके बाद अगर बात की जाए 3060 आई थिंक इसके बाद बेस्ट रहने वाला है। हाँ, मेरे पास 3060 में सबसे 2-3 कार्ड और रह गए हैं, हम भूल जाते हैं कई बार, 1660 Ti सुपर 2060 इन्हें कवर कर लेते हैं। 1660 Ti 60 सुपर है, 1660 Ti इनके समझ लो माइनिंग के ना मैया टूट गई है इनकी। बहुत एकदम से गंदे रेट गिरे ना भाई इनकी। 37000 का आपको अभी 1660 सुपर मिलता है। 37 का ये सिंगल ले लो, सिंगल ले लो, कोई ये तो माइनिंग में जाएगा, लेकिन माइनिंग में क्या फायदा ये ना देख लो आप। 37 में ले लो बिल के साथ, ओके, बाद क्या आप उसको चलाओगे? नहीं चलाओगे, इसलिए आप भी आई थिंक मेरे ख्याल से स्टॉक आप भी इसलिए होल्ड नहीं कर रहे। मैं कोई स्टॉक होल्ड नहीं कर रहा, आपको बता दूं जनरली, सिर्फ मैं मेरा माइनिंग का भी है, मैं माइनिंग रिग बना के देता हूं सबको पता है यहां पे। तो मैं यहां पे जो कार्ड चलते हैं रेगुलरली और जिनको प्रॉफिटेबल है अभी, वो है आपको बता दूं, वो है आपका WC XT। ठीक है, इसके अलावा 3060 Ti 3070 Ti ये कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो अभी भी माइनिंग के अंदर में बहुत ज्यादा बूम चल रहे हैं।
ओके बाकी अगर बात करें सुहास भाई 1660 Ti क्या रेट से? 37-38 का वो भी मिलेगा आपको। दोनों सुपर दोनों ये सेम, सेम, सेम। और 2060 आपको मिल जाएगा अभी 6GB तो नहीं आ रहा मेरे पास में, मेरे पास 12GB आ रहा है अभी MSI के अंदर में। हाँ। और इतना बेहतरीन प्राइस है आप समझो क्या है 43,500 सिंगल पीस। सिंगल पीस ठीक है 2060 सुपर, ये सारे कार्ड तो सिंगल पीस में बता दो, मतलब सिंगल अगर कार्ड लेना। सुपर अभी मैंने स्टॉक नहीं मंगाया है क्योंकि माइनिंग के अंदर में डिमांड थी, बट अभी जो है ना उस पर लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि रेवन कॉइन पे या फिर अदर कॉइन पे जब आप कंपेयर करोगे ना तो आपको 3060 Ti बेटर देता है आपको ना, इस वजह से। बाकी क्या प्राइस रहने वाले 2060 सुपर के? 61 के आसपास मिलेगा, आई थिंक 61 के आसपास होने वाला उसका प्राइस। इसके बाद अगर बात कीजिए सुहास भाई 3060 आई थिंक आपके पास रखे हुए दो तीन पीस, ये एक तो ये रखा है मेरे पास अभी आपके सब सस्ता जो डुअल फैन गैलेक्सी में आता है उसकी क्या प्राइस होती है भाई? मेरे गैलेक्सी का आपको दे दूंगा 51,000 का। 51,000 सिंगल पीस आके ले जाओ, बट हाँ ले जाओ, बट उससे अच्छा एक आपको मैं ऑप्शन दूं बताओ, ये 3 साल का वारंटी देता है। हाँ। जोटेक मेरे से आप कितने के लोगे बताओ? जोटेक आप बताओ, जोटेक आप मेरे से 52,500 ले लो, 52,500 फाइव ईयर वारंटी। आप इंडिविजुअल ले लो कोई दिक्कत नहीं, इंडिविजुअल ओके। बिल्ड में मैं आपको दे दूं कितने का? 51 का दे दूंगा। 51 का मतलब 1500 रुपए कम कर दोगे जोटेक पर, और गैलेक्सी पर वो 50 का पड़ जाएगा। गैलेक्सी में भाई दोनों सेम प्राइसिंग आ रहे हैं, बल्कि जोटेक में भी अच्छी प्राइसिंग है, ब्रांड भी अच्छा। जोटेक में जाओ, जोटेक रेट गिरा दे वैसे कार्ड के एकदम से। देखो जोटेक ने नहीं गिराया मालिक, जिन लोगों ने भर भर के झोली रखा था ना उनकी झोली खाली होने शुरू हो गया अभी जब से माइनिंग को क्रिप्टो गिरी है। बहुत से देखो लोग हमें कहते थे जो इन्होंने होल्ड कर रखा है, अरे भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े खिलाड़ी मार्केट में जिनके पास हमेशा 10-10,000 पीस रहता है स्टॉक में, ऐसे ऐसे बंदे भी हैं। बाकी सुबह ये 3060 अगर ट्रिपल फैन की बात की जाए क्या प्राइस होगा ये? बिल्ड में आपको मिलेगा 55 का, 55 विदाउट बिल्ड आपको मिलेगा ये आपको 57,500 का। 57,500 दे दूंगा आपको, 57 दो जगह डिफरेंस रहेगा आपकी भी। पिछले वीडियो खुशी में 56 लेना मेरे से। अच्छा अच्छा पहले 56 बता देते कोई नहीं, बिल्ड में 55 और नॉर्मल 56 होने वाला है। हाँ। ठीक है यही रेट रहने वाले हैं जो रेट बोल रहे हो मालिक, वर्ल्ड डायलॉग मतलब राइट सर नहीं है ये मैं वो नहीं करूंगा, देखो किसी नाम नहीं वो करूंगा। सिंपल चीज है ये, डिजिटल ओशन है। आज नेहरू प्लेस में बैठ के अगर थर्ड फ्लोर पर समझो ना, बहुत से लोगों को मेरी शॉप ढूंढने में दिक्कत होती है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन तू भी बंदे यहाँ पे आते हैं और इंतजार करके ले आते हैं, किस लिए ले आते हैं? सिंपल सी चीज है क्योंकि अपन यहाँ पे क्वालिटी में डील करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी 3060 हो गया, 3060 Ti मतलब आई थिंक रखे नहीं है, कारण क्या है? 3060 Ti मेरे पे डिमांड भी ज्यादा है ना, एक्चुअली अभी मेरे पे स्टॉक था, सॉरी याद आया मुझे, अभी मेरे स्टॉक था उसका, बट जस्ट अभी एक आए थे मेरे भाई आपके चंडीगढ़ जीरकपुर से, उन्होंने 20 पीस अभी मेरे से यहाँ पे स्टॉक में थे 20 पीस। बाकी प्राइस बता दो सब सस्ता स्टॉक मेरे पास, कल सुबह स्टॉक आ रहा है जोटेक में आपको दे दूंगा 64,500 रुपीज का। वाओ जोटेक। और अगर इसमें बात की जाए, अगर कोई मेरे से पीसी बिल्ड में लेते, देखो माइनिंग वाले से हाथ जोड़ के विनती है कृपया कुछ मत बोले क्योंकि ना वो बड़ी जल्दी रिएक्शन आता है उनका भाई। जो गेमर्स हैं हमारे उनके लिए मैं बता दूं आपको 62,500 का मैं दे दूंगा उनको पीसी बिल्ड के साथ में। ओके 62,500 का 500 पीसी बिल्ड के साथ। हाँ नॉर्मली अगर आप लेते 64,500 का दे दूंगा आपको। हाँ अगर किसी को क्वांटिटी चाहिए तो प्राइस में और भी मैं कम कर देंगे, कर दूंगा, कॉल करें। हाँ लेकिन मिनिमम 10 पीस ऊपर हो तो ही मैं इसमें कुछ प्राइसिंग अंदर बात करूंगा, अदरवाइज प्राइसिंग यही रहेगी। ठीक है ओके सुहास भाई 3060 Ti का ट्रिपल फैन बात की जाए तो 3060 Ti के अंदर मैं आपको 3 फैन में भाई दे दूंगा। मेरे पास अभी गीगा बैठा है वो आपका अप्रोक्स 7170 के आसपास मिल जाएगा, 71 के आसपास। हाँ ये प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए क्योंकि ये अपना मॉडलों का विजन ओसी। अच्छा विजन ओसी ओके। बाकी इसी में जैसे MSI कोई ट्रिपल फैन या फिर ASUS टफ गेमिंग में ट्रिपल MSI अभी 3 फैन ही आ रहा है। MSI में अभी आपको मिलेगा 3060 Ti वेंटस मिल जाएगा आपको। वो क्या रेट है? सेम प्राइस करवा दूंगा आपको। कौन सा 71 या? नहीं नहीं अरे मालिक 71 में क्या MSI बेचूंगा, कितने बेचोगे? वो मैं दे दूंगा आपको 3060 Ti ना। हाँ 3060 Ti को करवा दूंगा मैं 65 के आसपास। अच्छा 65 में करवा दोगे? हाँ ट्रिपल फैन, सॉरी डुअल फैन, सॉरी डुअल फैन, डुअल फैन, ट्रिपल फैन तो मिल नहीं रहा है। ASUS टफ गेमिंग क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? ASUS में नहीं आ रहा अभी मेरे पास माल। एक्चुअली देखो ASUS में यहाँ पे ना कुछ एक आध बंदों पे है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरशिप, तो प्राइस का ना मोनोपोली उनका आपस। अच्छा समझ गया मैं। हाँ तो वो सीन अच्छा रेट नहीं मिलेगा उसमें, नहीं मिलेगा। देखो बाकी हाँ किसी को अगर हाई एंड के लिए चाहिए ना, हाई एंड के लिए मेरे को आप व्हाट्सएप डाल सकते हो,
कोई भी पीसी चाहिए आपको रेंडरिंग के लिए, जैसे रॉग स्ट्रिक का चाहिए वो सब के लिए, रॉग स्ट्रिक चाहिए, मैक्सिमस चाहिए आपको, उसमें डार्क हीरो या सुप्रीम एक्स ऐसे मॉडल चाहिए, तो मैं क्या आपको आसूस से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट चाहिए, जैसे आपका रॉग स्ट्रिक का कोई भी मदरबोर्ड है, ठीक है, आसूस का चाहे टफ गेमिंग वाला है या फिर कोई भी आपका ग्राफिक कार्ड है, उसके लिए आपको मेरी इंक्वायरी डालनी पड़ेगी और एक आध दिन का टाइम आपको देना पड़ेगा, मैं आपको प्राइसिंग अच्छी करा दूँगा, दिक्कत वो नहीं है। ओके लेकिन हाँ रेट कंटिन्यू करते हैं ना, 3060 Ti हमने कवर कर लिया, 3070 क्या प्राइस है? 3070 आपको हमेशा दे दूंगा 81,000 का, 81 एंड 3070 Ti, 3070 Ti में आपको कौन सा यार यहाँ रखा था, रुको मैं निकालता हूँ, मेरे पास गैलेक्सी भी है यहाँ पे और गीगा, इन्हें आराम से नीचे रख दो ना, वैसे भी इतने सारे कार्ड हो गए हैं, नीचे रख देने, अभी बात करें इनके बारे में, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो ये है आपका 3070 Ti, ये है गैलेक्सी का डुअल फैन, हाँ इसके क्या प्राइस है? ये अभी मिलने आपको 84,000 का, 84 हाँ ओके, बट एक चीज़ आपको बता दूँ और अच्छी चीज़ वो सुन रखे, जो लोग डुअल फैन में अभी यहाँ पे जाएंगे ठीक है उनके लिए तो ठीक है, बट जिनको थ्री फैन का शौक लगा हो, शौक होगा उनको मैं ये करवा दूंगा, जोटे का 3070 Ti Trinity OC आपका 85,500 में, 85,500 हाँ जोटे करवा दूंगा, वाओ। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो हाँ अभी मेरे पास माल है नहीं है, मैं एक दिन का मेरे को टाइम लगे अभी मेरे पास, क्योंकि मैंने अभी जो ऑर्डर डाले वो मेरे 3060 Ti और 3060 लगा ले मैंने, ये आ रहे हैं 3070 Ti मेरा यहाँ पे मेट्रो में पहुँचेगा 2 दिन बाद, मिल जाएगा, किसी को चाहिए इंक्वायरी डाल देना, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा आपको। गीगाबाइट का बता दो, 3070 Ti गीगाबाइट का आपको मिल जाएगा भैया 90,000 रुपये का, 90,000 रुपये का होने वाला है, ओके। बाकी RTX A4000 माइनिंग के अंदर में देखो मैं बताऊँ, अभी जो सबसे ज़्यादा चल रहे हैं ग्राफिक कार्ड आपको बताओ, हम जो रिक के अंदर हम लोग प्रीफर करते हैं 3070 Ti 60+ का हैज रेट है, प्राइसिंग भी अच्छा आ चुका है अभी, और ये फिर आपको 3060 Ti वो तो मैंने आपको बताया 46 का हैज रेट है उसका भी, और A4000 ये समझो ये एक तरह से अफीम का काम करता है, अफीम सस्ते नशे, सस्ते नशे, आए हाय हाँ, क्या प्राइस है इसका? ये तो फ्री में मिलता है आसपास भाई, रेट मांगोगे इसका भी? हाँ फ्री में तो कहाँ मिलता है सबको पता है, ठीक है ये मिलेगा आपको 82,000 रुपीज़ का, 82 हाँ 82 इसमें 82,000 भी आता है एक, हाँ 82,000 में आता है, बट उसमें अगर किसी को चाहिए क्वांटिटी ना तो आपको 60 के आसपास का पहले आता था, 61 के आसपास, अभी आपको 58 के आसपास मिल जाएगा, वो 58 के आसपास मिल जाएगा 82,000, ओके ये तो सिंगल ही मिल जाएगा, कोई पीसी बिल्ड ऐसा कुछ नहीं है, कोई बिल्ड नहीं चाहिए भैया, ये सबसे अच्छा है आप ये कार्ड ले लो, हाँ पता क्यों 82,000 मैं बोल रहा हूँ आपको, आपको आराम से आप 82 से लेकर हैसेट कितना देता है ये? 61-62 का, अच्छा मतलब इससे सस्ता और जाएगा। पावर कितना लेता है वो पूछो ना, 120 वाट 120 वाट 123 वाट ले लो, आई थिंक ये 150-160-180 पे हाँ। मतलब चलते हैं हाँ। चलने के प्राइस भी है, जो अच्छा। लोग प्रॉपर माइनिंग के अंदर अभी आना चाहते हैं फिर आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ग्राफिक कार्ड है A4000 अभी, ओके दोस्तों इसके आगे बढ़ते हैं, 3070 Ti ने कवर कर लिया, 3080 क्या प्राइस होने वाला है सुहास भाई? 3080 अगर किसी को बिल्ड में चाहिए ना आपको मिल जाएगा 103,000 रुपये का, 103,000 रुपये विदाउट बिल्ड आपको मिलेगा, जोटे का अगर M4 चाहिए 106,000 रुपये का, ओके एंड 3080 Ti Ti आपको दिक्कत करवा दूंगा भाई 140,000 का, 140,000 बिल्ड में पता नहीं, अगर आप 114,000 बोलोगे ना तो बात होगी वही वाली, ठीक है ठीक है 140,000 में होने वाला 3080 Ti सिंगल ले जाओ, बिल्ड में कुछ होगा भाई? ये बिल्ड में है, इंडिविजुअल आपको 145 का दूंगा मैं ना, 145,000 का होने वाला है सिंगल पीस, बिल्कुल 3090 के बाद आपको 210,000 के आसपास, 210,000 सिंगल, बट आप समझो जो गेमर्स हैं वो उनके लिए भी थोड़ी प्राइसिंग फिर भी ज़्यादा चल रही है, मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा होल्ड करेंगे वहाँ पे, ठीक है जो वहाँ तो 3080 Ti पे बिल्ड कर लो कोई दिक्कत नहीं, 3080 Ti बस लास्ट है इसके बाद, हाँ मस्त कार्ड एकदम बेहतरीन, किसी से कहते हैं कते जहर, ओके बाकी सवाल में कुछ AMD कार्ड भी कर लेते हैं, स्टार्टिंग जो कार्ड्स में होती है कहेंगे जो ब्राउन से बॉक्स में आता था, ब्राउन बॉक्स वो नीचे दब गया, अभी अपन यहाँ से निकालेंगे, ये रहा अरे उठा लो, बहुत सारे हैं यहाँ पे, 6500 XT क्या प्राइस होगा? 4GB DDR6 का ग्राफिक कार्ड, प्राइसिंग बता दूंगा आपको फ्री, ₹21,000 से नीचे कोई नहीं दे रहा है सिंगल ले लो, ओके बिल्ड
बिल्ड में आपको कर दूँगा 8,000 रुपये 8,500 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। ओके एंड इसमें गीगाबाइट के लिए ट्रिपल फैन होने वाला है। हाँ, ये तीन फैन लिखा है तो ये आपको मिलेगा 23,500। ओके इसी में अगर बात की जाए 66 ये देखो मेन चीज इसमें होता क्या है वो दिखाता हूँ आपको मैं एक बार ना। 4GB का ग्राफिक कार्ड है DDR6 का है। गेमिंग के अंदर परफॉर्मेंस एकदम जहर होने वाली इसकी और ट्रिपल फैन है। इसी में अगर बात की जाए 6600 क्या प्राइस होगा आपको मिलेगा 41,000 रुपीज का। 41 का होने वाला है। और इसी में अगर XT वर्जन ले MSI ब्रांड जैसा XT आपको दे दूंगा मैं 47,000 रुपीज का। 47 ये जो 41 और 47 जो हमने कवर करे है वो सिंगल कार्ड मिल जाएंगे बिल्ड के साथ है। आपको सिंगल चाहिए सिंगल ले जाओ बाबा, बिल्ड में चाहिए तो आपको 46,500 कर दूंगा XT के अंदर, मतलब 500 रुपये और कम हो जाएंगे दोनों में बिल्ड के साथ। ठीक है सर, इसके बाद आते हैं 6700 XT, उसका क्या प्राइस होने वाला है? वो आपको मिल जाएगा 74,000 रुपीज का। 74 का हो जाएगा और उसे ही हम उसमें ले ले बिल्ड में आप कर दूँ 72 72 को 2,000 रुपये कम हो जाएंगे। आई थिंक इससे ऊपर फिर भी कवर कर लेते हैं 6800 XT। 6800 XT मैं आपको करवा दूंगा बाटी बाय, एक मिनट देना पड़ेगा आपको, उसकी प्राइसिंग है 1,12,500 रुपये का आपको पड़ जाएगा बिल्ड के अंदर में। 1,12,000 लेना कोई दिक्कत नहीं, 1,12,000 का पड़ने वाला है। ठीक है एंड अगर बात करें 6900 XT आपको मिल जाएगा अभी 1,25,000 के आसपास, 1,25,000 के आसपास होने वाला है। बिल्ड है न्यू ले जाओ, मतलब सिंगल कार्ड बिल्ड में, बिल्ड में मिलेगा बिल्ड में। और अगर सिंगल कार्ड और डिमांड भी इतनी नहीं है अभी आई थिंक, हाँ क्योंकि जो गेमर्स हैं थोड़ा सा वेट और कर रहे हैं ताकि 3080 Ti वो लगा लें या फिर अदर कार्ड जो है वो लगा सकते हैं। कोई 10 में से 20 में कोई एक ही बनवाता है, इतने बड़े कार्ड पर कोई मुश्किल नहीं आता है। बनवाने वाले बहुत आते हैं, अपन यहाँ पे लो एंड से हाई एंड तक बनाते हैं गेमिंग पीसीज के अंदर सारा अपना देखते हैं। यहाँ पे सभी तरह की कैबिनेट्स हैं, डिस्कोर्ड का देखो क्या बेहतरीन कैबिनेट्स हैं यहाँ पे, अच्छे लग रहे हैं। लेकिन क्या है मेजर क्या है जो ये कार्ड जो ना 6900 XT बहुत कम चलता है, इसीलिए मैं स्टॉक भी होल्ड नहीं करता। किसी को चाहिए बैक टू बैक करो, ऑन ऑर्डर मिल जाएगा तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, एक दिन का टाइम लगता है यार, पूरे इंडिया में जहाँ भेजना है एक दिन का टाइम लगता है अपने को। ओके तो सुहास भाई वीडियो काफी अच्छी बनी आज आई थिंक, एंड रियलिटी भी सामने आ चुकी है। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्या बोला आपको, जो लोग कमेंट करते थे उनके लिए भी बोल रहा हूँ और जो लोग कमेंट नहीं करते उनके लिए बोल रहा हूँ, दोनों चीजें। जो नए हैं पहले उनको बोलूंगा चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें बिल्कुल, और वीडियो को लाइक जरूर करना और इसकी पिछली वीडियो जरूर जाकर देखें। ओके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आपने राइट सॉल्यूशन की वीडियो नहीं देखी है प्राइसिंग का क्या सीन होता है वो जरूर देखिए एंड अवेयर रहिए ऐसे लोगों से। ठीक है और बाकी भाटी भाई यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाले में थोड़ी सी बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा है? हाँ शुरुआत में आया था तो मुझे ठीक लगी थी, अच्छी बात ये कि जस्ट राइट सॉल्यूशन में बैठा लिया था ना, वैसे नहीं बैठाते, मिल जाता है जल्दी, नहीं मिलता तो मना कर देते हो यार। देखो अब देखो यार मैं कहूँ कि कुछ तो कमेंट रहेंगे, 100 में से कोई एक आध कस्टमर तो नाराज हो ही जाता है कि भैया हम थोड़ा सा, बट ठीक है मेजोरिटी। मैं क्या कहता हूँ ओवरऑल अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको भी पता है और मुझे भी पता है, नेहरू प्लेस का हो चाहे आपका किसी अदर स्टेट का हो, ठीक है चाहे मुंबई हो कलकत्ता कहीं भी हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है जो आपने प्राइसिंग बोली है वो प्राइसिंग आपको कस्टमर को देना है। डिफरेंस समझ में आता है भाई, आज प्राइसिंग बढ़ गई, मैंने बोला ये 47 का है, कल को बंदा मैं बोलूंगा 47,500 का, समझ में आता है भाई 500 रुपये बढ़ सकता है। मैं बोलूंगा भैया ये 45 का था अभी ये तुम्हारा मिल जाएगा 60 का, ये क्या बात है भाई 16। वीडियो में सिर्फ बकबक करने से कुछ नहीं होता, ठीक है जो आपने बोला है कस्टमर को वो देना होता है आपको, ठीक है और आफ्टर सेल सपोर्ट सारी चीजें आपको करनी होती है तब आप बनते हो एक अच्छे दुकानदार, ठीक है। अगर आपको हम लोग यहाँ मैंने एक ही चीज़ बोल, देखो किसी का आदमी कमेंट नहीं करेगा यहाँ पे, लेकिन एक चीज समझना आज एक पूरा ओवरव्यू आप लोग यहाँ से मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे। आप ये देखो अगर मेरे पास इतना स्टॉक है, अगर मैंने रखा है चाहे आपका AMD का प्रोसेसर है इंटेल प्रोसेसर है, आपको सारी चीज़ दिखेंगे यहाँ पे रियलिटी में। देखो आप ये बोलोगे सारी चीज़ें रखी हों ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ चीज़ें मंगवानी भी पड़ती है बैक टू बैक और कुछ चीज़ें आपको स्टॉक में रखनी होती है। लेकिन जो आपने प्राइसिंग बोली है मैंने प्राइसिंग मैटर करता है ना, आपने कस्टमर को बोला 15,000 का है, कस्टमर अगले दिन भैया 15,200 ठीक समझ में आते हैं, आज बोला पता कर बोलो भैया 16,500 का है, वो चीज़ गलत है, ये तो चल ही रहा है। आप लोग इस चीज से अवेयर रहना और आपको कभी कहीं से भी ऑर्डर डालना हो मेरा व्हाट्सएप पे नंबर नीचे है,
ठीक है। इसके अलावा आप डायरेक्टली गूगल पे जाकर लिखोगे डिजिटल ऑप्शन नेहरू प्लस लिखना, आप सिर्फ आपको मेरा नंबर मिल जाएगा वहाँ पे, डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आपको सिंगल पावर सप्लाई चाहिए या आपको माइनिंग के रिग बनाने हैं, चाहे ग्राफिक कार्ड कुछ भी चीज़ें, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। सो गाइस ये वीडियो होगी ग्राफिक कार्ड के प्राइस रिलेटेड, हमने यहाँ पर सारे प्राइजेस कवर करे हैं, मैंने यहाँ पर सारे प्राइजेस कवर करे हैं, एनवीडिया और एएमडी और पीसी बिल्ड और सिंगल क्या रेट होने वाले हैं, और अगर आपको लेना हो तो बिल्कुल आप विजिट कर सकते हो यहाँ पर डिजिटल ओशन पे, डिस्क्रिप्शन में नंबर गूगल मैप और एड्रेस पूरा मिल जाएगा, आप यहाँ पर आइए अपना पीसी बनवाइए, और कोई भी सिंगल कार्ड लेना हो तो ले सकते हो, जो दूर रहते हैं भाई बेफिक्र रहो, बेझिझक पेमेंट करो, कोई दिक्कत आए तो मैं अपना नंबर भी लास्ट में जाकर डाल दूंगा, सिर्फ जिसके साथ कोई दिक्कत हो ऐसा कुछ या फिर किसी को इंक्वायरी करनी हो वो लोग कॉल मुझे कर सकते, बाकी भाई दुकान जेन्युइन है, शुरुआत से प्रमोट कर रहा हूँ, मैंने सर्विस देखी है इनकी, ठीक है। तो सुभाष भाई थैंक यू वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू भाई।